Hello everyone, my name is Charan. I am final year student of Kabardino Balkarian State University and I am currently studying in Russia. तो आज का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नीट स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्वालिफाइड नहीं है, तो पूरा वीडियो को देखें प्लीज़। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो आज का जो मेन टॉपिक है वो नीट के बारे में। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे एजेंट्स भी बोल रहे थे कि बिना नीट के कबाड़ एडमिशन ले लेती है नहीं लेती है। आज इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करूंगा मैं। देखो अगर आप बिना नीट के आने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी भूल कर ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कबाड़ कभी भी बिना नीट के एडमिशन नहीं लेती। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी कंट्री जाते हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रसिया, बांग्लादेश, जब आप इन कंट्री से बिना नीट की डिग्री लेके जाओगे इंडिया में तो आपको पहले एडमिट नहीं होगा। और कुछ एजेंट्स बोलते नहीं, आप पहले एडमिशन ले लीजिए, सेकंड ईयर में जब आप जाओगे मतलब मई में आप इंडिया चले जाना, नीट क्वालिफाई करके फिर से वापस आ जाना। ऐसा नहीं होता है, आपको नीट क्वालिफाई करना पहले पड़ता है एडमिशन लेने से पहले। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सेकंड ईयर में जाइए इंडिया और इंडिया से नीट क्वालिफाई करके वापस से अपना सेकंड ईयर कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आपको कोई भी एजेंट आपसे बोल रहा है कि बिना नीट के आप चले जाओ और आपका एडमिशन मेडिकल में हो जाएगा, और मेडिकल में हो भी जाएगा, आप छः साल पढ़ भी लोगे, और छः साल पढ़ने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि आपका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर इंडिया में आपको प्रैक्टिस करने को मिल नहीं रहा है, एग्जाम देने को नहीं दे रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पूरे छः साल का पैसा बेच जाएगा। ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी होगी एडमिशन लेने से पहले, कहीं भी किसी भी कंट्री अब्रॉड में जाने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम प्लेब दे लेंगे या फिर यू असेंबली दे लेंगे तो हमारा इंडिया में फिर उसके बाद नंबर पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यू असेंबली दे सकते हो, आप यूएस में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन आप रसिया के इंडिया वापस नहीं जा सकते। इन लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप बिना नीट के कहीं भी एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री में, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो आप इंडिया में एग्जाम देने के लिए, FMG या नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए, तो आपका पूरा छः साल का पैसा बेच जाएगा। तो किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी एजेंट, किसी भी स्टूडेंट की बातों में मत आना कि आप दोबारा से इंडिया में जाकर एग्जाम दे देना या फिर आप PG कर लोगे तो आपको इंडिया में सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अलग बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि वही चीज़ हर बार की तरह, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, अभी भी वही चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते भैया किसके थ्रू आए, एजेंट के थ्रू आए या फिर किसी स्टूडेंट के थ्रू आए, फिर कंसल्टेंट को चूज करें। देखो कंसल्टेंट होता है वो अपना बहुत डबल अमाउंट चार्ज करता है। अगर आपका 4-4.5 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी में लग रहा है तो आपसे 6-7 लाख रुपए लेगा, अपना कमीशन अपने पास रख लेगा और बाकी का डॉक्यूमेंट्स हमें ही फॉरवर्ड करता है यूनिवर्सिटी में काम कराने के लिए, ठीक है। आपके पास आज के टाइम में YouTube है, सोशल मीडिया है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। रही ट्रस्ट की बात, देखो आप अकेले इंसान नहीं हो जो एडमिशन लेने जा रहे हो, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए। इससे अलग जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ब्लॉगर्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया ये ब्लॉगर भी एडमिशन करा सकता। देखो ब्लॉगर इसका कोई भी ब्लॉग बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो एडमिशन कराता है, क्यों? क्योंकि अगर वो आपको मॉल दिखा रहा है, बर्थडे पार्टीज दिखा रहा है, ठीक है, घूम घूम के यूनिवर्सिटी कैंपस दिखा रहा है, लेकिन अपनी वीडियो में कभी वो नहीं बोलते कि हम एडमिशन भी कराते हैं, इसका मतलब आप समझते हो वो लीगल नहीं है, वो एडमिशन नहीं करा सकते हैं। वो आपको आपके डॉक्यूमेंट आपसे लेके किसी दूसरे बंदे को ही फॉरवर्ड करेंगे और कमीशन अपने पास रख लेंगे। अब जैसे सपोज करिए कोई बंदा आपको मॉल दिखा रहा है, ठीक है, आपको स्टेडियम दिखा रहा है, घूम घूम के हर सैटरडे संडे उठ के कैसे भी वीडियो बना दे रहा है, और आपसे आप उससे कांटेक्ट करते हो यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग पूछने के लिए कि भैया कैसी यूनिवर्सिटी, वो बच्चा आपसे बोले कि नहीं हम एडमिशन भी कराते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर ट्रस्टेड एजेंट है या फिर हमारी ऑफिशियल कंसल्टेंसी है, आप इसके थ्रू आइए, वो कोई ऑफिशियल कंसल्टेंसी की यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो रियल में यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है तो आपको मैंने हर बार अपनी वीडियो में ईमेल दिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके पता कर सकते हो, उन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कौन ऑफिशियल है कौन नहीं है, किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहिए किसके थ्रू नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप इन ब्लॉगर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, नहीं आप अगर इन ब्लॉगर से कॉन्टेक्ट करते हो आप हंसते हो, और उसके बाद आप ब्लॉगर्स को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन ब्लॉगर्स ने कभी अपनी वीडियो में बोला ही नहीं कि तुम हमारे थ्रू एडमिशन कराओ, ठीक है। तुम खुद से जाते हो, कांटेक्ट करते हो उनके पास, और वो तुम्हें फिर किसी ना किसी कंसल्टेंसी के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और फ्रॉड के मेरे पास बहुत सारे प्रूफ पड़े इन्हीं लोगों के,
ऐसा नहीं है, मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी यूनिवर्सिटीज के ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। यही स्टूडेंट ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने के नाम पे बच्चों से पैसा ठगते हैं, उसके बाद किसी और को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, अगर एडमिशन नहीं होता तो कहीं और भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचो, डायरेक्ट एडमिशन लो। मेरे पास ऑफिशियल परमिशन है यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने की, मैं एडमिशन करा भी रहा हूँ। किसी को डायरेक्टली एडमिशन चाहिए तुम डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना पासपोर्ट प्रिपेयर कर लो बाहर फॉरन में आने के लिए, ठीक है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी ब्लॉगर के जरिए मत फंसिए, किसी भी एजेंट अगर आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है तो उसके भी चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, एज ए काउंसलर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं कबार दिनों में, रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैं आपकी डायरेक्टली मदद कर सकता हूँ। अगर आपको एडमिशन चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे लिख सकते, मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था इस वीडियो में, देखो आप लोग जितने भी एजेंट से कांटेक्ट करते हो ना, जितने भी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हो, 90% ये एजेंट्स कंसल्टेंट रसिया से ही पढ़ के गए हैं। ये लोग एक टाइम पे यहीं पे स्टूडेंट थे, जो आज बोलते हैं ना कि इन स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन मत कराइए, हमारे थ्रू कराइए, वो भी आज कभी किसी टाइम पे यहाँ पे स्टूडेंट रह चुके हैं। आज वो ही एजेंट्स बने बैठे हैं इंडिया में, वही कंसल्टेंट बने बैठे हैं और वो बच्चों से डबल डबल चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा लग रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक कंसल्टेंट की वीडियो देखी बस्तर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, उसने बहुत अच्छे से बोला कि बच्चे हैं एजुकेशन वीज़ा पे काम करते हैं, अगर फंस गए तो डिपोर्ट हो जाओगे, फंस गए तो ये हो जाओगे। देखो हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी हमें परमिशन देती है, हम यूनिवर्सिटी की परमिशन से एडमिशन करा रहे हैं, हम बिना परमिशन के किसी का एडमिशन नहीं कराते, ठीक है। मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी में परमिशन लेके एडमिशन करा रहा हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिछले साल भी कराया, इस साल भी करा रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर भी कराऊंगा। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की परमिशन नहीं है, आप इलीगली किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट दे, या फिर आप किसी को स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट देते हो अपना, हाँ उसके फंसने के 90% चांसेस है, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है और वो एक गलत काम कर रहा है, आपको बिना बताए यूनिवर्सिटी को बिना इन्फॉर्म किए किसी स्टूडेंट से वो डॉक्यूमेंट्स ले रहा है एडमिशन के लिए। मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर आपको कोई ऑफिशियल अगर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।